हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वीडियोज ऑन फिजिक्स ऑन फिंगर टिप्स। और टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सरफेस टेंशन। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो सरफेस टेंशन होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड एंड मॉलिकुलर फोर्सेस के। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो देखिए, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो। कहाँ जीरो हो जाता है? जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वहां पर सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? जीरो। बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो इम्प्योरिटी होती है इस पर भी सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। It depends on impurity. Impurity is added to it. कैसे? देखिए, for insoluble impurities, surface tension जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीजेस, डिक्रीज होता है। एंड फॉर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इट में डिक्रीज और इंक्रीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो फिनाइल होता है वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, तो जिसके कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन कम हो जाता है। लेकिन लिक्विड में अगर हम नमक मिला दें, पानी में नमक मिला दें, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है।